क्लास 12th के बाद जैसे ही हम जाते हैं कॉलेज में, तो कॉलेज का सारा सिस्टम समझने में हमें 1 से 2 साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक नई नई लाइफ में हम आते हैं और पहला जो सेमेस्टर होता है और सेकंड सेमेस्टर होता है, हम कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करने में लगा देते हैं कि हम क्या क्या इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई अटेंडेंस को लेके कुछ रोना धोना नहीं है। जैसे कि स्कूल में जाते थे कंपलसरी होता है सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में बैठो, फिर एक छुट्टी की बैल बजेगी और हम सब अपने घर जाएंगे। बट कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, आप इंडिपेंडेंट होते हो। बट बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको इनडायरेक्टली इस कॉलेज लाइफ को स्कूल लाइफ में ही कन्वर्ट करने में साबित हो जाते हैं। मतलब साबित हो जाएगा कि आप स्कूल लाइफ में ही हो अभी भी। बट कुछ अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस आते हैं लाइफ के साथ और बहुत सारी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नई नई चीज़ें सीखते हो कॉलेज में आने के बाद। और हम सब अभी एक्साइटेड हैं, हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको क्रेडिट सिस्टम समझाऊंगा, क्योंकि अभी तक हम समझते आ रहे हैं परसेंटेज सिस्टम कि इतने परसेंटेज मार्क्स लेके आऊँगा और ये मेरी 12th की परसेंटेज है। बट कॉलेज में आने के बाद आपका क्रेडिट सिस्टम चालू हो जाता है और क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं बताऊँगा कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स जो हर एक यूनिवर्सिटी सेट करती है। हम यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी की इस चैनल पे, बट ऑलमोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सिमिलर रूल्स ही आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि आपका जो एकेडमिक सेशन है वो सेमेस्टर वाइज डिवाइड हो जाता है। तो एक ईयर में, 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 2 सेमेस्टर होते हैं। अब हर एक सेमेस्टर का एक फाइनल एग्जाम होता है, जैसे आपका प्री बोर्ड होता था फिर उसके बाद मेन बोर्ड होता था, तो वैसे ही प्री बोर्ड और मेन बोर्ड एक तरीके से आप ये समझ लो कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर, और इसके अंदर दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने होते हैं। अब सपोज करते हैं हमारा फर्स्ट सेमेस्टर आया, ठीक है, सिंपली समझाता हूँ मैं आपको, फर्स्ट सेमेस्टर आया और इसमें आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब यहाँ पे जो हर एक सब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो कुछ रखी गई होगी 4, सेकेंड सब्जेक्ट की कुछ 5 रखी होगी और इसको हम बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो ऐसे करके 6 सब्जेक्ट होंगे, तो सपोज करो 4 4 ऐसे करके कितने हो जाते हैं टोटल 24, तो 24 क्रेडिट आपके एक सेमेस्टर के बन गए। अब किसी किसी सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स होते हैं, किसी से किसी सेमेस्टर में 26 क्रेडिट्स भी होते हैं। मैंने आपको 24 का एक एग्जांपल दिया है। तो ऐसे ही आपका हर एक सब्जेक्ट जो आप सेमेस्टर में पढ़ते हो उसका एक क्रेडिट रखा जाता है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, उसका एक क्रेडिट तो होगा, उसकी एक इंडिविजुअल वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे करके आपके जो ईयरली क्रेडिट होते हैं, सॉरी 24 ये हो गए। अब सेकेंड सेमेस्टर में आपके जो होंगे 26 क्रेडिट लगा लो, कुछ ऐसी कुछ सब्जेक्ट होंगे जिनकी टोटल वैल्यू निकल जाएगी 26 क्रेडिट की। तो ऐसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, वैसे ही आपका सेकेंड सेमेस्टर हुआ। अब आपको इसमें से ध्यान रखना है कि जिन सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा है, ज़्यादा क्रेडिट है, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपकी एक बार में ही सारे क्रेडिट क्लियर भी हो जाए और आप नेक्स्ट ईयर में जाने में प्रॉब्लम भी ना हो। क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में इतनी डेडिकेटेडली स्टडी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्रेडिट सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आप पास होते चले जाओगे। आपको नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए 50% क्रेडिट एटलीस्ट अर्न करने होंगे। तो 24 और 26, तो इसका हाफ आप करोगे, मतलब दोनों सेमेस्टर मिला के आपके 50% क्रेडिट क्लियर होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होगे, नहीं तो आपका ईयर बैक लग जाएगा। ईयर बैक होता है फेल होना, आपको दोबारा से वो अपना सेमेस्टर रिपीट करना होगा, ईयर रिपीट करना होगा और आप अपने जूनियर्स के साथ स्टडी करना शुरू कर दोगे। बट आपको फीस दोबारा नहीं पे करनी होती उस साल की, लेकिन ईयर बैक अगर आपकी लग गई है तो फिर आपको दोबारा से ईयर रिपीट करना होगा। वैसे ही अगर आप सपोज करो आपका ये 24 है, इसमें से आपने 16 तो क्लियर कर लिए, बचे कितने 8 इसमें रह गए, उसके बाद आपने यहाँ पे 20 क्लियर कर लिए थे और यहाँ पे आपके 6 क्रेडिट्स रह गए, मतलब 2 सब्जेक्ट आप फेल कर गए, यहाँ पे भी आप एक सब्जेक्ट में फेल कर गए। अब वो जो है नेक्स्ट ईयर में एड ऑन हो जाएगा, ठीक है।
मतलब जब ये अगले साल एग्जाम होंगे जूनियर्स के, तो उनके साथ आपको जो भी सब्जेक्ट आपका छूटा होगा सेम वही एग्जाम आपको वहाँ पे जाके देना होगा, उसको क्लियर करना होगा। ऐसे करते करते फाइनल ईयर तक अगर आपके टोटल 3 साल का एग्जाम है कोर्स अगर आप कर रहे हो तो 6 सेमेस्टर हो जाते हैं। आउट ऑफ 6 सेमेस्टर अगर आपके टोटल क्रेडिट है 140, तो आउट ऑफ 140 एटलीस्ट आपको 136 अर्न करने होंगे आपको फाइनल डिग्री लेने के लिए। ये आईपी यूनिवर्सिटी में भी रूल है और हर एक यूनिवर्सिटी का यही रूल है, 96% क्रेडिट्स आपके पास होने चाहिए आपके थर्ड ईयर के अंदर, तभी आपको आपकी डिग्री मिलेगी। सिर्फ पास करना कुछ भी नहीं होता, तो आपको ऐसे ऐसे करके अपने क्रेडिट्स पे ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे देखा आपने, जैसे मैंने आपको बताया ईच सब्जेक्ट पे एक क्रेडिट हो दिया जाता है, 4 भी हो सकती है उसकी वैल्यू, 5 भी हो सकती है। इसके बाद हर एक सेमेस्टर में इंटरनल एग्ज़ाम होता है और सेमेस्टर का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो एक्सटर्नली होता है, जहाँ पे आपके कॉलेज के थ्रू आपको 10 डेज प्रायर में दिया जाएगा आपका एडमिट कार्ड, आप किसी दूसरे कॉलेज में जाके अपने फाइनल एग्ज़ाम्स दोगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका समझ के चलते हैं हम, ये फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो एक्सटर्नली होगा 75 का और इंटरनली होगा 25 का। एक्सटर्नली 75 का मतलब जब आपको कोई सेंटर मिला, समझ लो कि जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ महाराजा सूरजमल में या फिर महाराजा अग्रसेन में, अगर आप पढ़ रहे हो, आपने सेमेस्टर के जो इंटरनल एग्ज़ाम्स थे वो दिए, उसके बाद जो आपको फाइनल एग्ज़ाम आया सेमेस्टर का वो आपको दूसरे कॉलेज में जाके देना होता है, उसका एक आपको सेंटर मिलता है वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होता है, उसकी वैल्यू होती है 75। इसके बाद यहाँ पे 25 क्या होता है, 25 होता है इंटरनली कॉलेज के अंदर, वहाँ पे आपको कहीं और नहीं जाना, सिर्फ आपके कॉलेज के अंदर ही एग्ज़ाम होगा, क्लास टेस्ट के रूप में होता है, जिसमें 15 मार्क्स, ठीक है, इस 25 को भी हम डिवाइड करेंगे तो 15 मार्क्स होते हैं थ्योरी के और 10 मार्क्स होते हैं वाइवा के, ये आपके कॉलेज में ही होता है। अब आपने अपने कॉलेज में छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं, इनमें भी बहुत अच्छा अगर आपने करा, वाइवा आपने अच्छे से क्लियर कर दिया, 15 में से 14 मार्क्स लेके आ गए, तो आपके एक्सटर्नल में आपको कितने मार्क्स लेके आने होंगे, 100 में से आपको 33 लाने होते हैं क्लियर करने के लिए नेक्स्ट उसमें जाने के लिए। तो आप सपोज करो इसमें से अगर आप अर्न कर लेते हो 20-22, तो आपको यहाँ पे मात्र 10 से 15 नंबर लेके आने होंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, वो मैं बहुत छोटी सी वैल्यू बता रहा हूँ। इसमें अगर आप और अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो 75 ये और ये इंटरनली के 25, तो इन पे आपको लाइटली नहीं लेना है कि भाई क्लास टेस्ट है तो बस ऐसे ही चले गए उठ के और पढ़ा नहीं कुछ भी, ये आपको एक्सटर्नल एग्जाम्स में ऐड हो जाता है। इसके बाद प्रैक्टिकल जो होता है, हर एक सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स भी आपको दिए जाते हैं, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी एंड होटल मैनेजमेंट, इन सब में लैब का भी सब्जेक्ट होता है, तो लैब्स के अंदर भी प्रैक्टिकल जो होता है वो 40 मार्क्स का आपके कॉलेज में ही होगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरे जो स्कूल में या फिर सॉरी कॉलेज में आपके जो टीचर्स हैं आप उनसे हल्के में मत लेना, उनको उनके हाथ में भी बहुत बड़ी पावर होती है, तो उनको इम्प्रेस करके रखो। आपकी जो प्रैक्टिकल्स लैब में आप जा रहे हो आप अटेंटिवली अटेंड करो, और वो आपको नेचर वाइज भी उनके हाथ में पावर होती है कि इंटरनल एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प कर सके। तो वहाँ पे आपको 40 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो इंटरनली दिए जाते हैं, और एक्सटर्नली जब आप प्रैक्टिकल के लिए अपने जाओगे तो वहाँ पे इन्विजिलेटर बाहर से आते हैं, तो इसका 60 मार्क्स का वेटेज होता है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। प्रोजेक्ट वर्क आपको जो मिलता है थर्ड ईयर के अंदर, फाइनल ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाता है फाइनल सबमिशन के लिए, उसमें 50% जो होता है वो इंटरनल आपके जो क्लास टीचर होते हैं उनके हाथ में होता है, इंटरनल कॉलेज का ही इन्विजिलेटर होता है, और 50% जो पावर होती है बाहर से आए हुए यूनिवर्सिटी के आए हुए इन्विजिलेटर के हाथ में होती है। तो आपको कुल मिला के बात का ध्यान रखना है कि जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं उन पर अच्छा फोकस करना है, तभी आप धीरे धीरे करके अपने कंधों से बर्डन हटा सकोगे। ये जर्नी है 140 क्रेडिट्स की, किसी किसी कोर्स के अंदर 156 क्रेडिट्स भी होते हैं, किसी किसी कोर्स के अंदर 166 भी क्रेडिट होते हैं, तो ये जो क्रेडिट है आपको धीरे धीरे करके बिल्डिंग बनानी है, तभी आपका बर्डन क्लियर होता जाएगा। जितना आप
नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड करते जाओगे उतना ही बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। इससे आपकी परफॉर्मेंस भी गंदी हो जाएगी कॉलेज में थ्रू आउट द 3 ईयर्स और आपको अच्छी प्लेसमेंट लेने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगवाएं, वो ऐड होते होते आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट सिस्टम को लेके। प्लस एक रूल और होता है हर एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कि 75% अटेंडेंस आपकी होना ज़रूरी है। आपको अगर आपके कॉलेज में जाना है, आप वहाँ पे लेक्चर वाइज अटेंडेंस सबमिट होती है, तो लेक्चर वाइज अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपकी 75% अटेंडेंस का होना ज़रूरी है। अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होती तो भी आपकी ईयर बैक लगने के चांसेस हैं। जहाँ पे आपको पूरा ध्यान देना है कि अगर आपकी कोई मेडिकल लीव है तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। अगर आपने जानबूझ के छुट्टियाँ मारी है, नॉन अटेंडिंग समझ लिया है कॉलेज को और आपने छुट्टी मार ली है आईपी यूनिवर्सिटी में या फिर ऐसी ही स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो 75% आपकी अटेंडेंस होना ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है यूनिवर्सिटी का। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है कि आपकी अटेंडेंस कम ना हो, प्लस आपके जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स है उनमें आपका पूरा फोकस बना रहे। सो फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, अपना 100% दूंगा। प्लस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।